लोकसभा में संघ परिवार की दहशतगर्दी की कलई खोलते हुए मिस्टर इलियास आजमी एमपी। पहले से मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारे दो एक साथियों ने जिस अंदाज में, इसीलिए अब थोड़े से बोल देना, बता रहा हूं, जिस अंदाज में मुस्लिम संगठनों पर आप की तरफ इशारा किया कि आतंकवाद उनकी वजह से है, ये मुल्क के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। मैं दिलाऊं कि इस वक्त पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश से लेकर और तमिलनाडु तक जितने भी असलहा और गोला बारूद के भंडार पकड़े गए हैं, सब आरएसएस परिवार के संगठनों के पास से पकड़े गए हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं। अदालतों में हुए थे तो रायबरेली की अदालत में राजा राम नाम का आदमी एक पकड़ा गया, और एक का नाम मैं भूल गया हूं इस वक्त, और उसको छोड़ दिया गया इसलिए वो मुसलमान नहीं था। अगर वो मुसलमान रहा होता तो शायद वो आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा से उसका रिश्ता जोड़ दिया गया हो।